नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है और मैं हूँ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव गांव और धानी धानी की खबरों का सिलसिला। सबसे पहले रुख करते हैं प्रदेश के चौमू का, जहां सुबह से ही मेघ जमकर बरस रहे हैं। उपखंड में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते नगर की गलियां जो है वो दरिया बन गई है। वहीं कई दूसरे जगह पर निचले इलाकों में पानी भर गया। उपखंड के सामोद, गोविंदगढ़ और कालाडेरा बस स्टैंड पर पानी भर गया, जिससे वहां चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्री गंगानगर जिले के रावला मंडी के किसान बैंक के नए नियमों से परेशान हो गए हैं और उन्होंने बैंक प्रबंधन पर लोन देने में धांधली बरतने का आरोप लगाया। वहीं आज किसानों ने इसी बात को लेकर बैंक मैनेजर से मुलाकात की और तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा। दरअसल किसानों का कहना है कि अब की बार बैंक उन्हें लोन नहीं दे रहा और पिछली बार की तुलना में लोन में 30% की कटौती भी कर दी गई है। वहीं बैंक प्रबंधन का कहना है कि राज्य सरकार ने नए नियमों के अनुसार पिछली बार की तुलना में 30% कम लोन देने के निर्देश प्राप्त किए हैं और जितना लोन वितरण करना है वो टारगेट पूरा हो चुका है। उधर किसानों का कहना है कि वे पहले ही सूखे के मार से त्रस्त हैं, तो दूसरी ओर बिना ब्याज के लोन नहीं मिलेगा तो उन पर दोहरी मार पड़ेगी। उन्होंने बैंक प्रबंधन पर लोन देने में धांधली बरतने का आरोप लगाया है। झुंझुनू में खेतड़ी इलाके के तातीजा गांव में बिजली का काम करते वक्त हुई बिजली कर्मचारी की मौत के मामले में ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि बिना सूचना के लाइन चालू कर दी गई थी, इससे बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। ऐसे में संबंधित कर्मचारियों जेएन और एएन के खिलाफ भी मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई। इन ग्रामीणों का आरोप है कि एएन और जेएन ने झूठे सबूत पेश कर ग्रामीणों के खिलाफ मामले दर्ज करवा दिए। इन मामलों को भी वापस लेने की मांग की गई। धौलपुर जिले के सेपऊ थाना क्षेत्र के तसीमो गांव स्थित ईंट के भट्टों से 17 अप्रैल को एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सेपऊ पुलिस ने कल देर शाम 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर अपहरण और पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज किया जा रहा है। सेपऊ पुलिस आरोपियों से पूछताछ में भी जुटी है। 17 अप्रैल को तसीमो स्थित ईंट भट्टों पर काम करने वाले यूपी निवासी 3 भट्टा मजदूरों ने पास में रहने वाली एक नाबालिग बालिका का बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया था और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म भी किया। जैसलमेर की बात करते हैं, यहां पास स्थित मोकला गांव में पुलिस की गोली से हुई युवक की मौत का मामला अब तूर पकड़ता जा रहा है। परिजन मामले की जाँच सीबीआई से करवाने की मांग पर अड़े हैं। दरअसल फायरिंग में मारे गए चतुर सिंह के परिजनों और राजपूत समाज ने पुलिस पर सोची समझी साजिश के तहत हमला कर जान से मारने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार ने फिलहाल इस मामले की जांच सीआईटी को सौंपी है। कल राजपूत समाज ने घटना के विरोध में महारैली का ऐलान किया। जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत जैसलमेर जिले में इंटरनेट सेवा को भी ठप कर दिया। वहीं आज मामले को लेकर कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया कि पुलिस ने साजिश के तहत युवक की हत्या की है। जोधपुर में एक बार फिर मासूम की जान बोरवेल में फंसी है। यहां मथानिया थाना क्षेत्र के बिजवानिया गांव में एक बच्ची 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। बच्ची 3.5 साल की है। बताया जा रहा है कि खेलते खेलते बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, बच्ची को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद रही। झालावाड़ के दर्ग में सेमली सरोद के छत्रभुज मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। गंगधार पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा, कोर्ट में पेश कर तीनों को जेल भेज दिया गया है। भरतपुर के वैर में राशन डीलर उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर ब्लैक में राशन सप्लाई कर रहा है। जिन व्यक्तियों की गलतियों से नाम हट गए थे उनसे भी नाम जुड़वाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। टोंक के उनियारा में पानी का संकट घेरा गया है। एक ही सार्वजनिक नल पर पानी भरा जाता है। 1 घंटे पहले लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। बिजली आने पर ही पानी सप्लाई होती है। अजमेर के पिसांगन में न्याय आपके द्वार शिविर में 2,335 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण हुआ। उपखंड अधिकारी सुमन देवी, तहसीलदार राम कुमार सारा ने सरपंच के सहयोग से मामले निपटाए। हनुमानगढ़ के टीवी में खिनानिया गांव में आयोजित न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत शिविर में 66 लंबित मामलों का निस्तारण हुआ। एसडीएम डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। करौली के मासरपुर में तहसीलदार अजिताभ विजय ने कस्बे के कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय में पानी की समुचित व्यवस्था और शौचालयों में सुधार के भी निर्देश दिए गए।
करौली के टोडा भीम में अवैध खनन को लेकर कार्रवाई होने के बावजूद खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। खनन रोकने के लिए वन विभाग के गार्ड के पास खाली हथियारों के अलावा कुछ भी नहीं। धौलपुर के राजाखेड़ा में ई मित्र संचालकों की मनमानी सामने आई है। निर्धारित दर से ज्यादा दर पर वसूली जारी है। संबंधित अधिकारी सबको जानकर भी अनजान बने हुए हैं। आमजन से धोखाधड़ी यहां पर की जा रही है। अलवर के थाना गाजी में सुबह 4 बजे से रिमझिम बरसात का दौर जारी है। खेतों में सूखते बाजरे को अब जीवन दान मिला है। गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई भी नजर आई। वहीं दौसा के महवा में नायब तहसीलदार का पद रिक्त होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उप तहसील में पिछले 10 महीने से पद रिक्त होने से राजस्व संबंधी काम नहीं हो पा रहे। हनुमानगढ़ के नौहर में डिस्कॉम द्वारा लगाए जाने वाले नए ट्रांसफार्मर का वार्डवासियों ने विरोध किया। पार्षद शीला देवी के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन देकर विरोध जताया गया। अजमेर के मसूदा में अटल सेवा केंद्र पर न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में तहसीलदार के 432 मामले, 567 खाते दुरुस्ती के मामले निपटाए गए। जालौर के भीमा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सरकारी स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं आने से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल में शिक्षक मनमाने ढंग से पहुंचते हैं। टोंक के मालपुरा का रुख करते हैं। यहाँ पर बाजार में वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। सड़क पर ठेलों की भीड़ के कारण होने वाले जाम के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। जालौर के जसवंतपुरा के राजकीय अस्पताल में सफाई सहित पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जालौर के चितलवाना में डूंगरी कस्बे में शराब की दुकान रात 8 बजे के बाद भी खुली रहती है और धड़ल्ले से शराब बिकती है। धौलपुर के बाड़ी में राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की 160 सीटों पर आवेदन की प्रक्रिया जारी है। कला वर्ग की 110 सीटों के लिए प्रथम प्रवेश सूची जारी हो गई है और बाकी 50 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया अंतिम दौर में। दौसा के सिकराय में रसद वितरण में लापरवाही बरतने पर 3 राशन डीलर सस्पेंड कर दिए गए। जिला रसद अधिकारी ने कार्रवाई की। तीनों के प्राधिकार पत्र निरस्त किए। बहरावंडा टोडा फरासपुरा पंचायत के राशन डीलर बताए जा रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। स्वरूपगंज के समीप कुछ दिन पहले टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मारी थी। इसमें करीब 6 जने घायल हो गए। करौली के नादोती में PCC 6 सचिन पायलट आज नयागांव आएंगे। किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गंगापुर नादोती हिंडौन की सीमा पर कार्यक्रम। सवाई माधोपुर के चौथ कबरवाड़ा में सगाई से मना करने पर नाबालिग को अगवा करने का मामला सामने आया है। पिता ने मामला दर्ज करा दिया है। टोंक निवासी अम्बालाल सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ के मनोहर थाने का भी हाल आपको बता देते हैं। यहाँ पर नालियां जाम हो रही है। सड़क मार्ग पर गंदगी जमा है। राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिरोही के आबू रोड की बात करें तो यहां पालिका प्रशासन ने शहर के नालों की सफाई का अभियान चलाया, लेकिन पिछली रात को हुई बारिश ने पालिका के इस अभियान और सफाई की पोल खोल कर रख दी। भरतपुर के रूबास में राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों नोडल और डाक केंद्र प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में बीईओ अमर सिंह ने सभी से शिक्षा में गुणवत्ता लाने के निर्देश दिए। शिक्षण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर नोटिस दिया जाएगा। सिरोही के शिवगंज में आमजन की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है और जिम्मेदार बेखबर है। बाजार में खुलेआम केमिकल से पके फल सब्जी की बिक्री हो रही है। जालौर के आहोर में मित्र संचालक लोगों से निर्धारित राशि से ज्यादा राशि वसूल रहा है। कोटा के लाठपुरा में जलदाय विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों को अब भी जल सप्लाई नहीं हो रही। गाँव में बरसात होने के बाद भी जलापूर्ति नहीं होने से पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कोटा के सुल्तानपुर में किशोरपुरा विद्यालय में विधायक विद्याशंकर नंदवाना द्वारा वाटर कूलर का उद्घाटन किया गया। पटवारी हितेश माहेश्वरी द्वारा विद्यार्थियों के लिए वाटर कूलर भेंट किया गया है। झालावाड़ के खानपुर में सारोला कस्बे का रेफरल अस्पताल अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है। अस्पताल में स्टाफ की कमी है। दवाओं का अभाव होने से मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। झुंझुनू के चिड़ावा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तहसीलदार ब्रजेश गुप्ता ने सीएचसी का निरीक्षण किया। तहसीलदार ने बताया कि सीएचसी के कुछ स्थानीय डॉक्टर्स और मेल नर्स अस्पताल के साथ अपने व्यक्तित्व का काम भी करते हैं, जिससे अस्पताल में अव्यवस्था देखने को मिलती है। तो वहीं टोंक के निवाई में बचड़ी नाके पर तनाव देखा गया। अवैध वसूलियों का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने रॉयल्टी नाके पर अवैध बचड़ी खनन का विरोध किया। पुलिस और खनिज विभाग ने अब फिलहाल पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है।
राजधानी जयपुर का रुख करते हैं। यहाँ चौमो उपखंड में मूसलाधार बारिश हुई, यहाँ निचले इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन यहाँ पर प्रभावित होता हुआ नजर आया। खबरें अभी और भी है, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।